हाउ टू डील विद इट, कितना सेंसिटिव होता है म्यूचुअल फंड, क्या हो सकता है. अब ऐसा टाइम है कि तुम कभी भी कोई भी कैरियर चूज कर सकते हो. इफ़ यू हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेशन तुम कॉर्पोरेट में जा सकते हो. इफ़ यू आर गोइंग इन टू दैट पोजिशन तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है पेचे की. योर बोनस कैन बी इक्वल टू योर सैलरी. आई थिंक तो अभी बींग अ स्टूडेंट इजिली कर सकते हो. दैट्स अ ग्रेट आंसर. मतलब पूरा होलिस्टिक आंसर दिया आपने. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा. तो भाई मेरे साथ आज हैं दिविज भाई एंड ही इज अ बैंकर इन कनाडा. एंड दिविज आज हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट हाउ टू मेक अ करियर इन बैंकिंग इन कनाडा. स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी. मेरा नाम दिविज है, जैसे पीयूष ने बताया. मैं आई एम बेस्ड इन कामलूप्स एंड मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 years हो गए हैं. I've been into banking for 2 years. Started as a basic teller position and right now I'm working as a advisor in one of the top 5 banks of Canada. Perfect, perfect. And you graduated from? TRU. I graduated from TRU in post-bank finance. Same as Pivish. Perfect, same, same. Chalo, theek hai. So, start karte is video ko and we have amazing questions prepared for Divij and we'll hope ke Divij hume sara kuch bata de, sare secrets bata de. Theek hai? Chalo. Bhai, mera pehla question ye hai ke why should someone even consider a banking career? Kyun bank mein job kisi ko leni chahiye? Why should somebody consider? यार बैंकिंग टोटली अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. वैसे बैंकिंग स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर मैं जैसे अपना बताऊं कि हाँ बैंकिंग एक ट्रेंड है यहाँ पे कनाडा में कि हर बंदा बैंकिंग की तरफ जा रहा है. वन फैक्टर यस. सेकंड फैक्टर, पहले मैं बहुत मतलब इंट्रोवर्ट अभी भी हूँ, बट एक वर्क वाला इंट्रोवर्ट और एक जैसे पहली जॉब करी पता चला कि हाँ भाई काम पे इंसान बात वगैरह कर सकते हैं इधर उधर. कस्टमर सर्विस का अच्छा मजा आया. कस्टमर सर्विस, सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सब मिक्स होके हाँ एक तरफ बैंकिंग आ जाता है. सो दैट्स व्हाई आई कंसिडर कि हाँ अगर बैंकिंग तुम्हें अगर इंटरेस्ट आ रहा है उस जगह पे, लोगों की हेल्प करनी है, फाइनेंस पे मजा है, नंबर वगैरह में मजा आता है, सीख रही है चीजें, तो why not? Working conditions और इस सब के बारे में अगर कुछ ऐसा हो. Yeah, depend location to location. अब हर जगह पे अलग होता है कि अब जैसे मैंने 2 जगह पे काम करा है बैंकिंग में ही, अब मैं नया बैंक में शिफ्ट हुआ. अब एक लोकेशन में जैसे पॉपुलेशन में डिपेंड करते हैं कि उस लोकेलिटी में पॉपुलेशन कैसी है. इफ द पॉपुलेशन इज मोर टूवर्ड्स लाइक मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सो तुम्हारे उस टाइप की अलग प्रॉब्लम्स होंगी. अगर अपर क्लास है, ओल्ड एज है, अलग अलग पॉपुलेशन में पूरा डिपेंड करता है. That's a very good point, yeah. जैसे अगर लगा लो कि लोकेशन तुम वैनकूवर में डाउनटाउन उठा लो, तो डाउनटाउन इज जहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है. तो हर वाली जैसे यहाँ पे भी कैमलो से भी अगर तुम डाउनटाउन में जाओगे, इतना बिजनेस है यहाँ पे, रेगुलर क्लाइंट्स से ज़्यादा बिजनेस क्लाइंट्स है. सो अगेन एवरी लोकेशन हैज़ डिफरेंट नीड्स. तो भाई मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या एक बैंकिंग करियर सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या उससे रिलेटेड फील्ड के लिए ही ओपन है या फिर कोई भी एंटर कर सकता है जस्ट? देख अगर सरल भाषा में बोलूं, एज सिंपल एज दैट, नो. नो, ओके. आई हैव हैड कलीग्स हु हैव बीन इन एचआर, मतलब कोई बैंकिंग से रिलेटिव नहीं, जस्ट ग्रेजुएट भी आगे लेवल अप कर रहे हैं. ओके. तो मैं सर्टिफिकेशन चाहिए रेगुलर, बट यस अगर तुम अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, एक कॉन्वर्सेशन ईजिली आती है. लाइक ये ट्रेडिंग करते हैं, अगर इससे मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ये भाई साहब फाइनेंस के हैं, तो इससे अगर मुझे इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत हेल्दी कॉन्वर्जेशन होगी और अच्छे से डिस्कशन होगी. बट ज़्यादातर अगर इसको मैं बैंकिंग में हूँ, मेरे को कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं इससे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा जानता है, हाउ वुड दैट लुक? सो एक हाँ अपरेज होता है, बट यू कैन लर्न ऑलवेज. लाइक कोई एक बाउंडेशन नहीं है सीखने से कि कभी भी सीख सकते हो, कैसे भी सीख सकते हो. अब जैसे आईफिक अगर तुम दोगे अपना, तो उसके अंदर तुम्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाया जाता है. उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नहीं बताता, बेसिकली हाउ टू डील विद इट, कितना सेंसिटिव होता है म्यूचुअल फंड्स, क्या हो सकता है, मतलब अलग अलग चीज़ें कराते हैं. बट अगेन कोई भी पढ़ सकता है एंड एग्जाम दे के पास करके. तो आईफिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो इन एन सेंस, अगर मेरे पास अकाउंटिंग या फाइनेंस या रिलेटेड डिसिप्लिन का कुछ एजुकेशन है, तो इट विल मेक माई लाइफ ईजियर. बट अगर नहीं है, तो It's not gonna stop me from entering a career. फिर यार इंसान कोई भी करियर कभी भी चूज कर सकता है. अब वो वाली टाइम गया. अब ऐसा टाइम है कि तुम कभी भी कोई भी करियर चूज कर सकते हो. अगर इफ आई वॉन्ट टू गो इन टू आई टी, मैं सर्टिफिकेशन लेके बेसिक आई टी जॉब ले सकता हूँ एंड धीरे धीरे एडवांस कर सकता हूँ इतना. बट अगेन अगर जिसने इंजीनियरिंग करी है और जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपर है जिसको, उसको ही मिलेगा. मेरे एग्जांपल ले लो, मैं खुद अभी फाइनेंस करके अब मैं टेक में घुस रहा हूं. एग्जैक्टली. तो यस यस, आई 100% एग्री विद दिस. अब इन्वेस्टमेंट कन्वर्सेशन ले लो, इसको पता है मेरे को कुछ नहीं पता, हु विल लूज द जॉब फर्स्ट? राइट राइट, दैट्स सिंपल एज दैट. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. या अब मैं क्वेश्चन एआई से पूछ सकता हूं, बट एआई मेरे को सिर्फ एक उसके बारे में बताएगा,
ये भाई साहब मेरे को पूरे उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं, और अगर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगा वही AI है कहीं से और तुम्हें वही चीज़ बताऊँगा, तो वो इंसान खुद ही कर सकते हैं, तो रैदर देन गोइंग थ्रू अ स्टेप. सो ऑब्वियसली अ पर्सनल एडवाइस इज बेटर देन राइट. दैट्स अ ग्रेट आंसर, मतलब पूरा होलिस्टिक आंसर दिया आपने के फ्यूचर के हिसाब से. एंड ठीक है चलो, दैट आंसर्स माई क्वेश्चन. तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली अलग अलग बैंक का अलग अलग वो होता है लेवल, लेकिन एंट्री लेवल बंदा कहाँ से स्टार्ट करता है, किस जॉब टाइटल से स्टार्ट करता है, पैसे की बात हम बाद में करेंगे. ठीक है, एंट्री लेवल अगर अगेन स्टेयर्स होती हैं, सबसे पहला स्टेप चढ़ोगे फिर दूसरा चढ़ोगे ना, तो अगर स्टार्टिंग है तुम्हें सीखना है सब कुछ, तो आई वुड से लाइक अ टेलर जॉब इज द एंट्री लेवल जॉब. ओके, दैट्स व्हाट माई रिकमेंडेशन. एंड अगेन जो चलता है एंट्री लेवल जॉब वो है, बट हाँ लोग डायरेक्टली एडवाइजर रोल या रिप्रेजेंटेटिव रोल से भी शुरू कर लेते हैं इफ दे हैव द सर्टिफिकेशंस. बेसिकली लाइक हायरार्की यूजुअली वर्क करती है, रिप्रेजेंटेटिव लाइक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, देन फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग नाम होते हैं हर बैंकिंग सेंटर में. रिप्रेजेंटेटिव रोल, देन एडवाइजर रोल, एंड देन लाइक यू कैन गो इधर लाइक यू कैन स्टे एट एडवाइजर रोल और यू कैन गो टू अ मैनेजरियल रोल. If you have the proper certification, तुम corporate में जा सकते हो. Right. Depending, तुम्हें अगर अलग field में जाने सिर्फ investment पसंद है तो investment side में जा सकते हो. अगर lending पसंद है सिर्फ lending side में चले जाओ. लेकिन अलग अलग है, but हाँ एक stair का पहला ladder is either teller or CSR. I would say CSR, FSR हाँ लोग शुरू कर देते हैं, but like they have to go through that learning CSR वाली stair because that is the first. Right, perfect. तो भाई मेरा अगला question है कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करता है. आई थिंक सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हाउ मच मनी कैन वी मेक स्टार्टिंग से एंट्री लेवल से लेकर के एज वी मूव अप. तो थोड़ा सा उसके बारे में. सीयर एंट्री लेवल तो टेलर से होता है. अब अगर टेलर, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि हाँ एंट्री लेवल टेलर से है, तो समवेयर अराउंड $20-$21 पर आवर अप्रोक्सीमेट है. बट इफ़ यू आर फुल टाइम तो तुम्हें सैलरी पे भी हो जाता है. तुम्हें सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है कि इतनी तुम्हें एनुअली मिलेगी, प्लस लाइक एनुअल रेजेस, बोनस अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है. सेकेंडली लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन टू दैट पोजिशन, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है पेचेक की, इट कैन इंक्रीज टू एनी. बट एज AI इज कमिंग, चीज़ें हो रही हैं, चेंज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. जैसे इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग में भी कमीशन वगैरह कम हो रही है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, प्लस लाइक मतलब एक कोई कैब रही नहीं है अपने वैसे, बट हाँ आने वाले टाइम में हो सकते हो. तो जैसे टेलर की आपने बताई 21-20ish, एंड दिस इज सिमिलर फॉर ऑल बैंक्स, सबका सेम लेवल पे होता है, सिमिलर एज फार एज आई नो, प्लस माइनस 5%-10%. उसके ऊपर क्या रोल आता है टेलर के ऊपर, CSR, FSR? FSR हो गया, बैंकिंग एडवाइजर हो गया, सिमिलर रोल. तो FSR की क्या सैलरी रहेगी? एज पर अगर तुम ऑनलाइन सर्च करो 46-52, दैट्स द रेंज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन. अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 लोकेशन होती है. अब जैसे आई हैव हर्ड टोरंटो में कम है और वैनकूवर विक्टोरिया साइड बहुत ज्यादा है. सरप्राइजिंगली डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन बहुत वेरी कर सकता है, एंड इवन लाइक $3,000-$4,000 मंथली का डिफरेंस भी आ सकता है. और उसके बाद जब बंदा FSR से एक ऊपर पोजीशन क्या होती है, FSR से ऊपर एसोसिएट फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, अलग अलग बैंकिंग के अलग अलग रोल होते हैं, तो बेसिकली एडवाइजर पोजीशन होती है. एडवाइजर पोजीशन में क्या एक्सपेक्टेशन कोई रख सकता है? अगर सीनियर एडवाइजर है, लेवल होते हैं उसमें भी, अगर तुमने सर्टिफिकेशंस करी हुई है, सो समवेयर अराउंड 80-85,000 एनुअली. उसके बाद प्लस डिपेंडिंग हर बैंक का अलग है, उसमें कमेंट नहीं कर सकते. बैंक अब लोकेशन भी डिपेंड करते हैं, उसमें अगर लोकेशन रेवेन्यू अच्छा कर रही है तो बोनस अच्छा होगा, नहीं कर रही है तो बोनस अच्छा नहीं होगा. बहुत पैसा भाई. एंड सिंस यू आर एट दिस टॉपिक, कितने साल लगेंगे मेरे को टेलर से वो उस 20-30-50,000 वाले बोनस वाली पोजीशन पहुंचने में? यार साल तो पूरी ग्रोथ पे है कि तुम अगर कितने क्विक लर्नर हो. इसमें हम वही बात है, हर बंदा अपनी इंडिविजुअल रेस में है. कोई ऐसे नहीं है कि एक रेस है कौन तेज पहुंच रहा है. आई हैव सीन पीपल जो अपना टाइम लेते हैं 1.5 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद, तो कोई ऐसे टाइम फ्रेम नहीं है उसमें. अगर तुम रेडी नहीं हो तो उस पोजीशन पे पहुंच जाओ तो पहुंच तो जाओगे, बट वो 20,000 वाला बोनस ही आएगा ना. परफेक्ट. और हो सकता है फिर फायर भी हो जाओ अगर अपनी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करें, बिकॉज इन द एंड सिर्फ सेल्स नहीं है, कस्टमर सर्विस भी है. अगर कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे एट दैट लेवल, सो नथिंग. परफेक्ट. तो यार अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो एंड आप एक बैंकिंग में करियर कंसिडर कर रहे हो, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुने होंगे, IFIC या CSC. ठीक है,
तो व्हाट वुड यू टेल हिम कि आईफिक करो या सीएससी करो? देखो मैं तो सीधी बात बोलूँगा, हाँ जो करना है योर चॉइस, वेयर एवर यू वॉन्ट टू बी योर चॉइस, बट कोई नीड नहीं है, आईफिक करो अगर तुम्हें डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव रोल वगैरह में जाना है, आईफिक करो, तो पहली बात चीप है, सेकेंड बात तुम्हारी जॉब उससे लग जाएगी, इफ रिक्वायर्ड सीएससी तुम्हें बैंक प्रोवाइड करेगा, बैंक सर्टिफिकेशन दिलवाएगा, बैंक रजिस्टर कराएगा, सब कुछ बैंक करेगा तुम्हारे लिए। पहली बात अपने एक्सपेंसेस देखो, सेकेंड ऑफ ऑल लाइक इफ यू वॉन्ट अ जॉब राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आईफिक तो अभी बीइंग अ स्टूडेंट इजीली कर सकते हो, बट अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट हर बंदा अपनी हिसाब से देखता है कि उसे क्या करना है। जस्ट टू रिइटरेट यू आर सेइंग अगर आपको पर्सनल ओपिनियन प्रोवाइड करनी होती यू वुड डू आईफिक एंड सीएससी का ये है कि अगर जरूरत होगी तो बैंक आपको करवा देगा जिस भी बैंक में आप ज्वाइन करोगे। एग्जैक्टली, और अगर आप टेलर पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हो, इफ यू वांट टू गो अप द लैडर फ्रॉम द बॉटम, ऐसे स्टेप एक छोड़ना नहीं है, अगर तुम टेलर पोजीशन पे शुरू कर रहे हैं, बैंक प्रोवाइड्स यू लाइक आईफिक सर्टिफिकेशन टू, बट हां उसमें अलग-अलग क्लॉज होते हैं हर बैंक के दैट यू हैव टू स्टे विद देम। क्वेश्चन है कि डू आई हैव अ बेटर चांस एट लैंडिंग अ जॉब अगर मेरे रिज्यूमे में आईफिक है वर्सेस किसी ऑपोजिट जिसके रिज्यूमे में कोई आईफिक या सीएससी नहीं है? टेलर जॉब नो, टेलर जॉब एनीवन कैन गेट, ओके, डिपेंड्स ऑन टोटली यू, उसका अलग क्वेश्चन है। ओके ओके या सो टेलर जॉब अलग है, टेलर जॉब बेसिकली यार कैशियर जॉब है, तुम्हारे कैश इन कैश आउट है बेसिकली, एंड बेसिक नॉलेज चाहिए तुम्हें, हाँ प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, इफ यू हैव आईफिक दैट्स ऑलवेज एन एसेट, बट हाँ उसमें कोई मैनेजर, इफ आई हैव अ मैनेजर आई एम नॉट hiring a person who has IFIC for a teller, so uski meri necessity requirement hai hi nahi, job requirement mein hai hi nahi, so agar tum teller ke liye agar ja rahe ho, why to give her IFIC? ek mera question hai ki ha agar main IFIC kar lu, so I have a better chance ki main teller se upar wali position land kar lunga or just out of graduation? Yes, there is a better chance because like most of the bank right now turnover is really high, ki itna turnover chal raha hai ki har banda koi ruk nahi raha apni position pe. Achha. ab tere ko kitna time hua tha ki yahan pe? अगर अभी भी तो ऑनलाइन खोल के देखोगे लोग कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, इतनी जॉब्स दिख रही है, तुम अगर अगर सिटी स्पेसिफिक जॉब ढूंढ रहे हो तो हाँ जॉब्स कम है, अगर तुम कहीं भी ढूंढ रहे हो अभी खोल के देखो 100 से ऊपर अभी दिख जाएगी, राइट राइट, एंड हाँ तुम्हारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बेटर चांसेस है टू लैंड अ जॉब डायरेक्टली, but yes I was registered for IFIC till I got it to a teller role because I want to start at bottom and mere fir IFIC diya and I got it to a rep role. to yaar agla question bhai mera ye hai ki there is no definitive question for this ki kya jo abhi student hai isko banking mein career banana hai jab wo hiring process mein aayega to kya personality traits ya kya aise skills hai that you are looking for in the individual? क्योंकि मेरे को नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, एग्जैक्टली राइट, बाकी आप कोई भी सीख सकता है, वर्क टू वर्क डिपेंड करता है, इंटरव्यू प्रोसेस तक आने के लिए जो मैनेजर इंटरव्यू होता है उससे पहले 3-4 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद तुम्हारा रिज्यूमे होता है वो स्क्रीनिंग में जाता है, वो होती है पूरी टेक्स्ट स्क्रीनिंग, एआई स्क्रीनिंग आप कह सकते हैं, एंड दे ओनली लुक फॉर कीवर्ड्स, अगर तुम्हारे रिज्यूमे में कीवर्ड्स है जो उस जॉब पे चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, then you will be screened towards an HR interview. HR call aayegi. HR call, to be honest, it's a much more interview type of interview. जैसे आपने पीयूष की पहली वीडियो में देखा होगा कि वो वैसा इंटरव्यू होता है HR वाली में. जो HR इंटरव्यू है वहां तक आने के लिए तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए. रिज्यूमे अच्छा करने के लिए कोई डेफिनेट आंसर नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. हर कंपनी का प्रोसेस अलग है वो क्या कीवर्ड ढूंढ रहे हैं. सो बेसिक थिंग इज अपने रिज्यूमे, मैं बताऊं अगर मैं रिज्यूमे देख रहा हूं आई वुड सी कि लाइक इतना कुछ भरा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प. दैट्स द आंसर आई हैव गॉटन एट पीपल हु आर एग्जीक्यूटिव लेवल. क्या हमें नहीं देखना ब्रो 3 पेज का रिज्यूमे? 3 पेज का रिज्यूमे मेरे को इसमें कुछ नहीं देखा है. उसके बाद एचआर वाले में तुम्हारा बेसिकली कि लाइक यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, तुम्हारे देखिए कि तुम इस रोल के लिए फिट हो कि नहीं. Then only they will send it to manager. Manager. Okay. अब manager basically different manager, हर manager का अलग interview process होगा. Yeah. तो उसको कुछ crack नहीं कर सकते. कितनी videos देख लो, उसको crack नहीं कर सकते. At that point, तुम्हारा resume matter नहीं करता. It's your personality and how you're presenting yourself. अगर तुम्हारी personality खराब है, तुम वहीं पर ही है. मैनेजर तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, चलो ओके नाइस मीटिंग यू. अच्छा, अगर पर्सनालिटी अच्छी है वो दो क्वेश्चन में भी तुमसे सब कुछ निकलवा सकते हैं. एक सेकंड, मैंने उसे पर्सनालिटी क्या ढूंढ रहा है? पर्सनालिटी में यार पर्सनालिटी में हर मैनेजर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी लोकेशन में उसे क्या चाहिए. अब बेसिकली कस्टमर सर्विस जॉब है तो हाउ काम आर यू, तुम हर सिचुएशन कैसे डील कर रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई बंदे का सब कुछ लुट गया, फ्रॉड हो गया पूरा,
तुम उसे कैसे डील करोगे? अब तुम उससे अगर ब्लड रिएक्शन दोगे वो तुम पे गुस्सा होगा, मार भी सकता है तुम्हें. सो यू शुड बी लाइक काम एंड कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम कैसे डील कर रहे हो, तुम्हारे फेस पे स्माइल है इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर डे इज. कस्टमर सर्विस का की है ये कि अगर तुम्हारा दिन पूरा खराब है, लगी पड़ी है, सो भी तुम्हारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए. फ्रॉम व्हाट आई कैन ग्रास्प इज इट विल बी अ बिहेवियरल इंटरव्यू. बिहेवियरल इंटरव्यू एंड प्लस टोटली सिचुएशनल बेस्ड. कोई उस पे क्रैक नहीं कर सकते कि मैनेजर भी सिर्फ पर्सनालिटी देख रहा है. ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हाँ मैं मैनेजर हूँ, व्हाट आई एम लुकिंग इनटू अ पर्सन. ओके, अगेन अगर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है उसको ऐसा बंदा चाहिए जो एफिशिएंट है, कि मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि पर्सनालिटी उसकी अभी कैसी भी है इस पॉइंट पे, उसको सिर्फ कोई बॉडी चाहिए. अब वो भी डिपेंड करता है. एंड अगेन बैंकिंग में बोनस भी होता है, अगर तुम एफिशिएंट नहीं हो, तुम्हारे खराबी हो रही है चीजें, तुम लॉस वगैरह कर रहे हो, तुम्हारा बोनस इफेक्ट होगा. ओके, तो बेसिकली बिहेवियरल के सिचुएशंस को हैंडल करना, सेकंडली के शुड बी एन एफिशिएंट इंडिविजुअल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बेसिकली, लाइक जो भी काम कर रहे ढंग से कर रहे, दे आर प्रिसाइज इन देयर वर्क. प्रिसाइज, ओके, परफेक्ट परफेक्ट. आई थिंक दैट आंसर्स सम पार्ट ऑफ what I was looking for, but like basically इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता. मतलब there is no one size fits all answer के भाई. ओके, what I prefer an interview, अगर मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर personally if I had this, मैं prepare नहीं करता इंटरव्यू के लिए. ओके, तो prepare कर सकते हो answers कि हाँ ये सब answers और वो manager को नहीं चाहिए, हर चीज सिखाई जा सकती है. What I do is I just be myself. हाँ, एक panic होता है उसको हटाओ. If you practice yourself वो panic नहीं आता. बट हाँ, एक लंबी सांस लो और बस दे दो जो भी है. मैंने अभी रिसेंटली 3 इंटरव्यूज दिए हैं एंड आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट. ओके भाई, मेरा फाइनल क्वेश्चन इज कि आपको कितने साल हो गए बैंकिंग में? मार्च में एग्जैक्टली 2 साल. तो 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आपको, 2 महीने में 2 साल हो जाएंगे. तो आपके 2 साल के एक्सपीरियंस में व्हाट इज द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट वर्किंग इन अ बैंक इन कनाडा? टाइम बहुत जल्दी बीत जाते हैं इफ यू आर एट अ बिजी लोकेशन. 9 to 5 में तो मैं कब 5 बजे पता नहीं चलेगा. एंड यू हैव लॉट ऑफ वर्क, तो एक अच्छा लगता है. सेकेंड ऑफ ऑल टू हेल्प पीपल, बट इफ आई सम इट अप, हेल्पिंग पीपल एंड हेल्पिंग पीपल इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट पार्ट. बिकॉज अगर तुम हेल्प तो कर दोगे किसी की, बट बहुत अच्छा लगता है तुमने हेल्प करा उसकी. एक लाइक अच्छी फीलिंग आती है दैट समवन इज ऑलमोस्ट ड्राउनिंग एंड यू आर हेल्पिंग देम इन देयर फाइनेंसेस. बट उस टाइम पे जब कोई तुम्हारा रोता है एंड यू कैन नॉट हेल्प देम, दैट्स द वर्स्ट पार्ट. वर्स्ट पार्ट इज टू से नो इन एनी फाइनेंस. वो ना बोलना कि भाई तो नहीं हो रहा अप्रूव, बहुत बुरा लगता है. लाइक इफ समवन रियली नीड्स हेल्प, दे आर इन ड्राउनिंग एंड दे वांट अ सॉल्यूशन एंड यू कैन नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी इन दैट. देयर बियॉन्ड हेल्पिंग, बियॉन्ड हेल्प. वो बहुत बुरा लगता है. यस, एंड अगेन आई थिंक वी वर डिस्कसिंग, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि जो वर्किंग कंडीशंस है दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन. कि अगर आप बहुत ही पॉश लोकेशन में आपका ब्रांच है वर्सेस डाउनटाउन में है, या फिर वर्सेस लो इनकम यू नो नेबरहुड में आपका वो है वो, तो डज दैट रियली अफेक्ट वर्किंग कंडीशंस? इट अफेक्ट्स अ लॉट. तुम्हारे चैलेंजेस पूरे चेंज हो जाते हैं. इफ यू आर इन अ लोकेशन वेयर सारे अमीर है, तुम्हारे पास ऑब्वियसली यू नो द आंसर कि तुम्हारे पास अगर अमीर है तो तुम्हारे पैसा आ रहा है, तुम्हें क्या कर रहे हो? वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो उसका कुछ कर रहे हो. उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या है. या तो उनके पास इतना ऑटोमेटेड पैसा है दैट दे डोंट केयर, और इधर दे आर जस्ट हियर टू कीप देयर मनी, या फिर अगर उन्हें लोन चाहिए वगैरह भी तो वो ऑटो अप्रूव्ड है. बट इफ यू आर इन लोकेशन जहाँ पे लो इनकम लोकेशन है, ऑब्वियसली वहाँ पे तुम्हें अगर किसी को अप्रूव कराना है, इट्स अ टास्क. एंड हर लोकेशन के अलग सेटबैक्स है, तो वो चीज कोई नहीं कर सकता कंपेयर. इफ यू गो टू वैनकूवर में भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि सारी लोकेशन अच्छी है. कोई बुरी लोकेशन भी है. चलो ठीक है, ये तो है कि अगर आपको मौका मिले ट्राई टू एक्सपीरियंस लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस, ऑब्वियसली के यू नो आई ऑलरेडी हैव, लाइक आई वर्कड इन 3 different ब्रांचेस. इफ आई टेल यू दैट 3 different ब्रांच में काम करा है, दोस 3 branches आर टोटली लाइक डे एंड नाइट. ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है उसपे कि हाँ ट्रैफिक है एक ब्रांच में, बट एक ब्रांच में लो इनकम ट्रैफिक है, एक ब्रांच में हाई इनकम ट्रैफिक है. सो कोई से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के अपने चैलेंजेस अलग अलग है. ओके, परफेक्ट. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, पता चला होगा कि बैंकिंग में करियर कैसे बनाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंकर जो कनाडा में हैज हैड अ सक्सेसफुल करियर इन बैंकिंग. इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव फन चलता रहता है. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.